असलम स्टूडेंट्स आई होप यूल टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक थ्री फेज ए सी सप्लाई फर्स्ट ऑफ आल वी आर गोइंग टू डि दैट वट इज अगल फेज ए सी सप्लाई इवन इसी जनरेटर हैज़ वन कोदे ऑफ स्लिप रिंग्स इट अट टू बी अंगल फेज ए सी सप्लाई अगर किसी ए सी जनरेटर में हमारे पास सिर्फ एक कोईल होता है सिर्फ एक कोईल होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है सिंगल फेज ए सी सप्लाई और यही वजह है क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक कोयल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं सिंगल फेज ए सी अच्छा विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स अब एक कॉयल के अंदर वेट अ सेकेंड मैं आपको ये दिखाऊँ वी हैव हाँ। ये हमारे पास कोयल है इस कोयल के एक एंड ये है एक एंड ये है विद पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स यानी कि स्लिपरिंग का पेयर है हमारे पास एक उसका जो पेयर का एक पार्ट है वो हमारे पास इस एंड पर और एक पेयर जो है वो हमारे पास इस एंड पर आ जाता है कॉइल में जो एक कॉइल हमारे पास सिंगल फेस के अंदर होती है नाउ दिस नेक्स्ट इट इज रिटर्न इट प्रोवाइड्स एंड वन फेस ए सी सप्लाई अब इसका जो आउटपुट होता है हमारे पास दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज यानी कि ऐसे होता है हमारे पास ठीक है दिस इज द आउटपुट ऑफ अ सिंगल फेज ए सी सप्लाई अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वट इज थ्री फेज ए सी सप्लाई जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है इफ एन ए सी जनरेटर इज कनेक्टेड विद थ्री कॉयल्स इन लाइन एट वन ट्वेंटी डिग्री दैन इट इज सेट टू बी अ थ्री फेज ए सी सप्लाई सिंगल फेज में हमने क्या स्टडी किया सिंगल फेज में हमने स्टडी किया कि ए सी जेनरेटर के पास ओनली वन कोयल है बट थ्री फेज जनरेट ए सप्लाई में हमने क्या स्टडी करना है कि ए सी जनरेटर के पास थ्री कोयल्स हैं और वह तीनों कोयल्स एक दूसरे के साथ किस एंगल पे इंक्लाइन करें दे आर इंक्लाइनिंग एट एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अच्छा अब यहाँ पर भी आप देखें कि इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं फिगर लुक एट द फिगर हमारे पास यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं वी हैव थ्री कोयल्स एक कोयल हमारे पास ये है एक ये है और एक कॉयल ये है अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ इन दोनों कोयल्स के दरमियान एंगल इज़ वन ट्वेंटी डिग्री सेम इज द केस हमारे पास यहाँ इन दोनों कोयल्स के दरमियान भी कितना एंगल होगा वन ट्वेंटी डिग्री अब ये दो जो कॉयल्स बची इनके दरमियान भी कितना एंगल होगा वन ट्वेंटी डिग्री तो ये तीनों कोयल्स जो हैं एक दूसरे के साथ हर दो इन तीनों कोयल्स में हर दो कोयल्स के दरम्यान कितना एंगल है वन ट्वेंटी डिग्री तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा ओके ओके स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि थ्री फेज ए सी सप्लाई जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रिंसिट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अब ये हाँ लॉ हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर फिफ्टीन में फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक कॉल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं इफ़ यू रोटेट द कोईल अगर हम रोटे कोयल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहाँ पर फ्लक्स जो है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा और ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर वोल्टेज या करंट जो है वो इंड्यूस होगा सो इट फॉज प्रिंसिपल सेम एज द केस इन थ्री फीस ए सी सप्लाई हमारे पास यहाँ कॉयल्स हैं अगर हम कॉइल्स को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज जो है वो ए सी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होगा ओके तो स्टूडेंट्स लुक एट द कंस्ट्रक्शन वेन रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एन थ्री ए सी वोजेज़ आर प्रोड्यूज डिफरेंस ट्वेंटी डिग्री अच्छा अब हमारे पास इस फिगर के अंदर थ्री कॉइल्स हैं एजेट के थ्री फेज ए सी सप्लाई के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं थ्री कॉइल्स होती हैं जब हम इन तीनों कोयल्स को रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली तीनों जो हैं वो हमारे पास ए सी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करेंगी बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करने की है दैट है ये वाली जो कॉयल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाली कॉयल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अगर तो पैरल पड़ी हुई है इफ़ दिस कॉयल इज प्लेस्ड पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन ऑब्वियसली मी नो कि फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं आएगा जब चेंज नहीं आएगा तो करंट या वोल्टेज जो है वो इंड्यूस नहीं होगा बट हमारे पास दो और वोल्टेजेस भी हैं सॉरी दो और कॉइल्स भी हैं एक ये और एक ये और ये दोनों जो हैं ये इससे वन ट्वेंटी डिग्री के फेस डिफरेंस पर है और ये वाली जो है टोटल जहाँ पर टू फोर्टी डिग्री के फेस डिफ्रेंस है इससे तो अब जब ये वाली जो हमारी कॉयल uh, थी ये वाली जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी तो ऑब्वियसली ए और बी वाले जो हमारे जो कॉयल्स हैं ये उसके पैरेलल नहीं है और जब पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली इसके अंदर से वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगी तो यानी कि जब एक कोईल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बाकी दो जो हैं वो उसके वन ट्वेंटी एंड टू फोर्टी डिग्री के फेज डिफरेंस में हैं पहली जो कॉयल uh, है उससे जो uh, एक कोयल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसके बाद जो पहली कोईल आती है दैट इज़ 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे और उससे अगली जो है वो पहली से 240 डिग्री के फेज डिफरेंस पे तो ऑब्वियसली उन दोनों के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज तो इंड्यूस हो रहा होगा वो उसके पैरेलल तो नहीं है तो अगर एक के अंदर हमारे uh, कोई करंट या वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा तो बाकी दो जो कोयल हैं वहाँ पर हमारे पास इंड्यूस होगा ड्यू टू द फेज डिफरेंस ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है अच्छा अब एक और चीज़ गौर करने की है यहाँ पर कि हमारे पास एक कॉइल होती है तो उसके अंदर कितने एंड्स होते हैं अभी आप लोगों को बताया था एक कॉइल हो तो उसके पास एंड्स होते हैं हमारे पास टू एंड्स होते हैं एक एंड है, हमारे पास ये हो, पास ये हो एक एंड ये है सो अब हमारे पास थ्री फेज ए सी सप्लाई के अंदर कितनी कॉइल्स हैं थ्री फेज ए सी सप्लाई के अंदर हमारे पास थ्री कॉइल्स हैं थ्री कॉइल्स हैं है यानी कि हमारे पास कितने एंड्स होंगे कितने टर्मिनल्स होंगे सिक्स बट ऐसा नहीं है हमारे पास यहाँ पे कितने टर्मिनल्स हैं हमारे पास यहाँ पर फोर टर्मिनल्स हैं कितने टर्मिनल्स हैं हमारे पास थ्री पीस एसी सप्लाई के अंदर फोर हाउ ये मैं भी आपको बताती हूँ देखें यहाँ पे एक एंड हमारा जो एक एंड है हमारे पास ए एक एंड है बी एक एंड है सी अब इन तीनों तीनों आपको कॉइल्स दिख रही हैं इन तीनों का एक वाला जो एंड है वो ये है डी जिसको हमने कर दिया कॉमन और उसके बाद हमने इसको कर दिया अर्थ कर दिया ठीक है इनको हमने कॉमन ले दिया और जनरेटर के साथ हमने इनको शाफ्ट कर दिया तो अब जब ये तीनों कॉयल्स के एक एक एंड जो हमने कॉमन uh, ले लिया है अर्थ कर दिया उनको तो हमारे पास अब यहाँ पर कितने एंड्स uh, बचे कितने टर्मिनल्स हैं लेट्स काउंट ये वन दिस इज़ टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर अब हमारे पास कितने टर्मिनल्स हैं थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर फोर टर्मिनल्स हैं तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आई है अब आगे हम देखते हैं इसके explanation पे पर स्टूडेंट्स वैसे तो हमारे पास सिंगल फेज एसी सप्लाई के अंदर टू थर्टी वोल्ट जो है वो वोल्टेज सप्लाई होता है बट थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर हमारे पास फोर हंड्रेड वोल्टेज भी अप्लाई होता है हाउ अब जरा आप यहाँ पर देखें अब हमारे पास इस पर ज़रा गौर कीजिएगा अगर तो हमारे पास टू थर्टी वोल्ट है कितना है टू थर्टी वोल्ट अच्छा अब यहाँ देखें जो डी वन है ना डी वाला पॉइंट जो है इसको हमने डी वाला जो टर्मिनल था इसको हमने ले लिया नेगेटिव टर्मिनल ए बी एंड सी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल हैं और डी को हमने ले लिया एज अ नेगेटिव टर्मिनल ठीक है अब हमारे पास अगर तो हम कनेक्ट करते हैं लेते हैं अपना टर्मिनल बी एंड डी ये डी वाली लाइन है ठीक है और ये बी है इन दोनों का अगर हम लेंगे वोल्टेज तो वो कितना आएगा टू थर्टी वोल्ट अब हम लेंगे सी और डी का वोल्टेज सी है ये वाली लाइन और डी है ये वाली ये इनका भी वोल्टेज लेंगे कितना है टू थर्टी वोल्ट अब ए और डी का लेंगे तो टू थर्टी वोल्ट बट ये था सारा अगर हम लेते हैं विद टू uh, टर्मिनल। अगर हम डी टर्मिनल के साथ ए बी या सी किसी का भी हम लेते हैं तो वो कितना आएगा टू थर्टी वोल्ट बट अगर हम लेते हैं ए से सी तक का ए से सी तक या सी से बी तक या ए से बी तक तो इन तीनों के दरमियान हमारा कितना वोल्टेज आएगा फोर हंड्रेड वोल्ट यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा अप्लायंस है कोई ऐसी डिवाइस है जो कि फोर हंड्रेड पर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम को अप्लाई कर हम इन तीनों को लेंगे और अगर हमने कोई ऐसी डिवाइस के अंदर हमें टू थर्टी वोल्ट अप्लाई करना है तो हम डी टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे समझ आया आप लोग को याद तक अगर हमें किसी भी डिवाइस के अंदर हमने यूज़ करना है टू थर्टी वोल्ट तो हम डी टर्मिनल के साथ बाकी कॉल्स को कनेक्ट कर देंगे बट अगर हमने फोर हंड्रेड वोल्ट चाहिए तो हम डी टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज डी टर्मिनल यहाँ पर कौन सा टर्मिनल है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बाकी ए बी एन सी आर द पॉजिटिव टर्मिनल्स ओके अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर वैन वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैव अ फेज ज़ीरो डिग्री देन एट द सेम टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैजेज ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अच्छा यही बात मैंने भी आपको भी, अभी समझाई कि अगर हमारे पास एक uh, कोयल रोटेट नहीं कर रहा वहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज भी इंडियूज नहीं होगा वहाँ पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी ज़ीरो तो वहाँ फेज क्या है ज़ीरो डिग्री उसी टाइम पर जो दूसरी कोयल है उसका फेज डिफरेंस उस कोयल के साथ क्या है वन ट्वेंटी डिग्री तो ऑब्वियसली वहाँ पर वोल्टेज होगी सिमिलरली थर्ड पेयर हैज़ अ फेज़ ऑफ़ टू फोर्टी डिग्री सिमिलरली मैंने आपको बताया था तीसरी कोयल का कितना डिस्टेंस बन रहा है कितना फेज डिफरेंस बन रहा है उनका टू फोर्टी डिग्री तो वहाँ पर भी वोल्टेज होगी अब इसके आगे है

जनरेटर है मैंने आपको यही बताया कि उन तीनों जो कॉयल्स थी उनको हमने एक एक पॉइंट का ले लिया कॉमन और उसको हमने क्या कर दिया अर्थ कर दिया यहाँ हमने शार्फ कर दिया जनरेटर के साथ द अदर थ्री ऑफ टर्मिनल्स ए बी सी आर कनेक्टेड सेपरेटली उन तीनों जो हमारे पास कॉयल्स uh, थी उनके अदर जो टर्मिनल्स हैं उनको हमने अलग जो है वो सेपरेटली जो है वो कनेक्ट किया अच्छा अब यहाँ पे एक नोट है द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स ए बी एंड सी एंड न्यूट्रल लाइन एज टू थर्टी वो न्यूट्रल लाइन कौन सी थी हमारी वो जो हमने डी uh, टर्मिनल के साथ जो हमारी लाइन थी ना एक मिनट ये आप लोग देख सकते हैं जो डी टर्मिनल के साथ हमारी लाइन जा रही है ना दैट इज द न्यूट्रल वन ओके तो है ये, यही ये हम ले रहे हैं अगर हमारी वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी एन सी एंड न्यूट्रल लाइन ए बी सी को हम न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी कितनी वहाँ वोल्टेज आएगी टू थर्टी वोल्ट जो बात अभी मैंने आपको यही समझाया कि ए को न्यूट्रल लाइन के साथ बी को उसके साथ लेंगे या सी को उसके साथ लेंगे तो आएगा टू थर्टी वोल्ट बट अगर हम ए को बी के साथ बी को सी के साथ या ए को सी के साथ करेंगे तो वहाँ पर कितना आएगा वोल्टेज कितना आएगा फोर हंड्रेड वोल्ट ड्यू टू द फेज शिफ्ट ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अच्छा अब इसका एडवांटेजेस आज में देखते हैं द टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री लाइन्स और नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोडेड अच्छा अगर इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं इसके एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक गार्ड रखा है जो कि ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए वर्क करता है तो ऑब्वियसली उसने सोना भी होगा वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा लेकिन इसी की जगह अगर हम रख लेते हैं थ्री गार्ड्स कितने गार्ड्स रख लें थ्री गार्ड्स एक गार्ड सो, सो है तो बाकी दो एफिशेंटली जो है वो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं सेम इज़ द केस विद द वायर्स एंड द वोल्टेजेस क्योंकि हमारे पास लाइक घर के अंदर हमारे गर्मियों के अंदर ए चला लेते हैं आप लोग हमने तीन ए सी चलाने हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा होता है घर गर में घरों में कितना वोल्टेज आता है टू ट्वेंटी वोल्ट तो वहाँ पे आप लोग तो देखते हैं कि गर्मियों में के अंदर अक्सर होता है कि हमारे वोल्टेज कम आ रहे होते हैं वाई क्यों कम आ रहे होते हैं बिकॉज हम लोड ही उस पर इतना डाल देते हैं इसी के बजाय अगर हम थ्री फेज ए सप्लाई रख लेंगे तीन फेजेस रख लेंगे हर फेज़ का जो है वो एक अलग उसके ऊपर एक ए सी तो लोड कम पड़ेगा किसी के ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा तो हमारा काम जो है वो ईजिली हो जाएगा कोई मसला ख़राबी नहीं होगी यही बात कह रहे हैं द टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री लाइन्स सो नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोडेड जब हम एक एक ए एक एक फ़ेज में लगा देंगे तो किसी के ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा जबकि हम तीन ऐसी एक ही फेज़ के ऊपर लगा देंगे तो ऑब्वियसली लोड पड़ेगा अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट्स एम स्पेशल डिवाइसेस ऑपरेटेड 400 वोल्ट सो थ्री फीस सप्लाई डि प्रोवाइड्स फोर हंड्रेड वोल्टू दो डिवाइसेस ये बात भी मैंने भी आपको कही थी कि अगर हमें टू थर्टी वोल्ट करना है तो हम उसको टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे यानी कि न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे जबकि अगर हमें फोर हंड्रेड वोल्ट चाहिए तो हम ए को बी के साथ बी को सी के साथ या ए को सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के टॉपिक आई होप यू ऑल हैव अगर तो आप लोगों को अच्छी सी समझ आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल श्योरली आंसर यू देयर एंड अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग मेरे न्यू लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़